आंदन बोले जय माता दी, कोई नहीं आ रहा, जानदन बोले जय माता दी। गुड मॉर्निंग, रुको रुको बाल ठीक करने दो। हाय गाइस, अच्छा इसमें देखना उसमें नहीं देखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी पीछे भजन कीर्तन काफी तेज चालू है। सो हम वैष्णो देवी आए हैं एंड वी आर व्लॉगिंग दिस टाइम एंड ये नया रास्ता है, इनकी न्यू ट्रैक है, ताराकोट मार्ग बोलते हैं इसे। एंड सबसे अच्छी चीज जो इसकी है कि यहाँ पे कोई भी घोड़े पालकी कोई नहीं है, रश है ही नहीं, मतलब मैं कम नहीं कहूंगा है ही नहीं, तो लोग है ही नहीं। अभी सुबह का 4:30 बज रहा है तो हम 4 बजे पूरे होटल से निकल गए थे। हम अप्रोक्सीमेटली अभी 1.25 किलोमीटर 1.225 किलोमीटर आ गए हैं, तो 2 मिनट बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। एंड भजन हमने सोचा कि कहीं पे थोड़े कम होंगे, लेकिन भजन कम नहीं हो रहे, भजन तो पूरे रास्ते में लगा ही रखे हैं अभी तक, तो हमने कहा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरा रास्ता देखो साफ है एंड शेड, पूरा रास्ता ज़्यादातर शेड में ही है, और अगर जैसे बारिश वगैरह या कुछ भी होते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ये बस इसका डंडा ले लो एक, बट एक ही नुकसान है इस रास्ते से आने का, नुकसान कह लो कुछ भी कह लो, ये एग्जैक्टली 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, मतलब उधर से जैसे ओल्ड रास्ते से अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर पे आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर पे आता है, तो 1 किलोमीटर ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, यहाँ पे ना घोड़ों की वजह से या कुछ की वजह से ब्रेक नहीं लगती, प्लस लास्ट टाइम हमें क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे जब हम आए अर्धकुंवारी तक तो नए रास्ते तक आ गए थे, वापसी पे उतरते समय खास करके बारिश हो गई तो अर्धकुंवारी तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज वो पूरा शेड में है और रास्ता साफ है, क्योंकि वहाँ पे भी घोड़े वगैरह नहीं चलते। तो जैसे हम पुराने रास्ते पे आए ना, वो रास्ता इतना स्लिपरी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ घोड़े वगैरह जाते हैं तो उनका मल मूत्र सब वहीं रहता है, और वो उसकी वजह से मेन क्या होता है, वो बहुत चिकनी हो जाती है सर, बहुत स्लिपरी हो जाती है। हम इतना संभल के इतना स्लोली हमें आना पड़ा, उसकी वजह से पता है घोड़ों में भी इवन दर्द हो जाती है और टांगों में भी ज़्यादा दर्द होती है, उसमें टाइम हमें ज़्यादा ही लग गया बहुत। तो उससे पेरेंट्स हेलीकॉप्टर से आएंगे, हाँ पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो वो सीधा भवन पे ही मिलेंगे हमें, तो वो जैसे सांझी छत उतरेंगे हेलीकॉप्टर से, वहाँ से जैसे फिर घोड़ा करके आ जाएंगे आगे तक, फिर हम सारे मिल जाएंगे, इकट्ठे मिल के ऊपर हमने दर्शन करने हैं। फिर चलो आपको आगे रास्ता दिखाते हैं। ओके गाइस मिलते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, रल मिल बोलो आंदन बोले जय माता दी, कोई नहीं आ रहा, जानदन बोले जय माता दी। वैसे एक तरह से अच्छा भी है, भजन पूरे रास्ते चालू है, नहीं नहीं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है। हाँ हम वैसे पता है हमें वर्कआउट करते हुए भी हमें गाने चाहिए ही नहीं होते, काफी लाउड म्यूजिक है वैसे, बहुत लाउड है, बट ठीक है, बट रास्ता सही है, चढ़ाई भी है वैसे, ये नहीं कह सकते कि एकदम प्लेन है या फ्लैट फ्लैट है, चढ़ाई भी है, फ्लैट भी आता है, बैठने की जगहें काफ़ी हैं, बीच बीच में बेंचेस लगे हैं, इवन खाने पीने का भी अच्छा आता है बीच बीच में। एक तो स्टार्ट होते ही पहले अच्छा भोजनालय है, काफ़ी कुछ मिलता है उस पर, एंड ये भी आ रहा है, ये आया R1, तो एक कंट्री रिसोर्ट वालों का है R1, ऐसी R1 R2 R3 R4, तो यहाँ पर खाने पीने का है काफ़ी कुछ, वेट दिखाता हूँ। तो कॉस्टिंग वाइज भी देखा जाए तो कॉस्टिंग भी ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे 40 रुपीज का बर्गर है एंड 45 रुपीज की चॉकलेट पेस्ट्री है, 50 का चीज़ बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर 40 का है, अभी बंद है एंड सही है, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। चलो मिलते हैं आगे।
ये हालत हो चुकी है अभी, बस 300-400 मीटर रह गया भवन एंड थोड़ी थकावट तो यार देखो हो ही जाएगी, ऑलमोस्ट हो गया बस। एंड मस्त था वैसे, नया पानी की प्यास लग रही है। नए रास्ते में ये चीज़ अच्छी थी कि वॉशरूम वगैरह बहुत साफ हैं, रश नहीं जाता, तो बहुत सही है वो चीज़। बाकी खाली रहता है एकदम, साफ सुथरा है, लाल लाल हो गया। तो चलो गाइस, भवन में तो आगे हम अंदर लेके नहीं जा सकते कैमरा, और हमने नया रास्ता ही दिखाना था। एक चीज़ है, अब इन्होंने स्पीकर लगा दिए पूरे रास्ते में और वो बहुत लाउड हैं। अभी तो थोड़े से स्लो पे चल रहा है, पहले बहुत लाउड था, वो थोड़ा सा परेशान करता है, बट दैट्स ओके। डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, दो हाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगे हुए हैं, बहुत सारे स्पीकर लगे हुए हैं। चलो गाइस ऊपर जाके, वो कौन सी जगह है, वो ऊपर जाके जहाँ पे रूम्स वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ से देखते हैं। अगर रूम्स मिल गए 2 घंटे के लिए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो उनका कोई प्रीमियम वेटिंग रूम है वो भी, और फिर पापा मम्मा हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो उतनी देर तक हम रेस्ट कर लेंगे। तो चलो गाइस अब मिलते हैं, कब मिलते हैं, ऊपर मिलेंगे तो डन बात करेंगे, ऊपर मिलते हैं। चलो गाइस बाय। सो फाइनली दर्शन हो गए, हाय सबके हो गए दर्शन। मम्मा पापा भी बहुत टाइमली पहुंच गए थे, उनका 9 बजे का हेलीकॉप्टर था और उन्हें सब 8 का मिल गया, तो हम जब ऊपर पहुंचे वो हमसे पहले 5-10 मिनट पहले पहुंच गए थे। एंड अब दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, थोड़ा रश था अंदर बट सही है। चलें चलो, जय माता दी। चलो चलें, अभी हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, हमें फोकस क्यों नहीं कर रहा है, अभी हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब उतराई है वैसे, मैं बिकॉज इट्स माय नेटिव प्लेस, सो मैं तो बचपन से आती रही हूँ अकेले, जैसे पेरेंट्स से मम्मी के साथ अकेले, एंड आदित्य हैज ऑलवेज कम विद हिज पेरेंट्स, है ना, हाँ वो सब पेरेंट्स। चलो अब तो उतराई है वैसे, अब तो बस हमें अपनी ब्रेक्स पे काम करना है, ब्रेक लगाते लगाते चलना है। हेलो, सो आई नो इट्स अ डिफरेंट सेटअप, मैं जम्मू से काम बोरेली पहुंच गई, बट वी केम होम यस्टरडे नाइट और मैंने व्लॉग एंड नहीं किया हुआ था, बैक टू ऑल अदर यू नो थिंग्स। हाय गाइस, ही वांट्स टू कम इन ऑल माय व्लॉग्स, ये मेरा व्लॉग है, तुम जानो नहीं, ये ना ये बड़ा धार्मिक व्लॉग है ये वाला, तो इसमें मैं तो होम गई तो हम बहुत धार्मिक तीर्थ स्थलों पे गए हैं अपने बर्थडे पे, आदित्य के बर्थडे पे नवरात्रि चालू थी और मेरे बर्थडे पे हम वैष्णो देवी हो गए, हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही आफ्टर रीचिंग 30, बट इस बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नए रोड से हम गए, या बट एक और चीज डिस्क्लेमर, वी आर नॉट मतलब हम भगवान के ऐसे नास्तिक नहीं है ना आस्तिक, हाँ, कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी न्यूट्रल। हम थोड़ा बहुत क्रिप कर रहे थे कि जैसे भजन काफी तेज चालू है, हाँ, कुछ है यार, वो हमारा पर्सनल है, हाँ, क्योंकि जैसे ऐसे मत लेना, हाँ, नहीं तो नेगेटिव लिख देते हैं लोग, बट वैसे मत लेना, सिर्फ वो ना बहुत जोर का था और ना डिस्टेंस बहुत दूर, मतलब आई नो लोगों के मन की भावना होती है कि उन्हें अच्छा लगता है। इनफैक्ट आवर पेरेंट्स आल्सो शाउट के नहीं ऐसे सुनना चाहिए जब आप इधर, हाँ, बचपन में भी तो ऐसे ही होता था, भजन कीर्तन से साथ जाते थे, ये सिर्फ हमारा पर्सनल है, हमारा परसेप्शन है, क्योंकि हम जब डांस क्लास भी जाते हैं तो हमें गाने नहीं अच्छे, हम मतलब एरोबिक्स करते हुए भी हम कहते हैं ऐसे ही कराओ काउंट्स में, हमें गाने अच्छे नहीं लगते उस टाइम पे, तो हमें शोर लगता है, एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम हैट्स ऑफ टू मतलब पीपल की यार जिनकी इतनी मन में भावना होती है। हमने एक छोटा सा बैग कैरी करा हुआ, हम उसमें अरे अरे यार थक गए, अरे यार ऐसे, और जो पिट्ठू वगैरह होते हैं, जो लोग अपने बच्चों को लाते हैं, जो पूरे टाइम बच्चे मतलब, हाँ यार, मतलब हम भी छोटे थे, हमारी मम्मी हमें ऐसे ही लेके जाती थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय मदर, तो आई वाज टेलिंग हर के मम्मा आप ऐसे ही, तो मम्मी कहती हाँ गोदी में ही उठा देता पैसे का। सीरियसली ये तो चलो अभी वैष्णो देवी की यात्रा कहते हैं, अमरनाथ की केदारनाथ की इधर इनकी और ज्यादा मुश्किल यात्रा है और लोग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन की भावना है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट सीरियसली, मतलब बहुत। हमने एक वहां पर किसी पिट्ठू वाले से मालिश करवाई थी, एंड वन थिंग मैंने क्योंकि मालिश करवाई थे पैरों की, सो पीपल वर स्टेयरिंग एट मी व्हिच वाज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। सेकंड थिंग
वो इतने अच्छे थे दैट वी पेड देम एक्स्ट्रा, बट द थिंग वॉज दैट दे आर डूइंग सच अ डिफिकल्ट थिंग जो हम सोच भी नहीं सकते, एंड देयरफॉर यार क्या होता है जैसे हम कहीं पर भी बैठे तो वो आ जाते हैं कि देख के कि हाँ ये थके हुए हैं, नीचे उतर रहे हैं तो इनको चाहिए होगी, तो एक जगह पे हमने चलो करवा ली, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दिया। यार आप एक बार को ये सोच, मैंने कुछ भी को यही कहा, मैंने कहा आप एक बार सोचो हम जाके कहीं स्पा कराएंगे, वहां पे तो इतना उनका मेन्यू इतना महंगा होता है, वहां तो तुम नहीं कहते भैया कम करो या कुछ करो, तब तो तुम पूरे पैसे दे के आते हो। हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो कुछ अमाउंट जैसे 20-30 रुपए आप इन्हें किन्हें दे दोगे, तो एक टाइप की इनडायरेक्टली आप किसी की हेल्प ही कर रहे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब जो खच्चर और वो सब लेके जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो एक टाइम पे हमारी ब्रीदिंग, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हाई लो हो रहा था और वी कुडंट बैलेंस, फिर लेटर आफ्टर 15-20 मिनट्स वी वर ओके, बट वो 20 मिनट्स हमें लगे थे टू एडजस्ट। अब नवंबर जैसे आ गया तो थोड़ा विंटर्स तो ऑब्वियसली आने चालू हो गए, तो थोड़ा सा विंटर्स के टाइम पे आपकी थोड़ी सांस भी ज्यादा फूल। बट आई वाज हैप्पी दैट आई मेट माय चाचू चाची, मैं अपने घर गई वापस इन जम्मू, आई हैव अ हाउस इन जम्मू एंड इट्स माय चाचू चाची हाउस, एंड आई यूज्ड टू स्टे फॉर मंथ्स देयर व्हेन आई वाज अ किड। वो घर देखना, आई कुडंट व्लॉग इट दिस टाइम, बट वो घर देखना, the garden, the everything, I was so much touched, it was the best memory. I met my chachu chachi, I was like, hum chote hote the to kitna sab saath mein aur waise rehte, jaise jaise hum we grow we are into our fam, like into our own world. aur aajkal to bahut zyada hi ho gaya, like we take for granted rishton ko and we are into our own world always, but it's very important if you look back, aaj hi किसी एक ऐसे जने को मिल के आना जो जिससे आप बहुत सालों से मिले नहीं हो, या उन्हें फोन करके सिर्फ इतना बोलना कि बस याद आई थी इसलिए फोन किया, द हैप्पीनेस विच दे विल गेट एंड द हैप्पीनेस विच यू विल गेट आफ्टर डूइंग दिस विल बी अमेजिंग। लाइक आई फेल्ट सो गुड एंड आई हैड ग्रेट मेमोरीज इन दैट हाउस, और मैं फिर से वो घर गई, मैंने वो घर को देखा ऊपर नीचे सब जगह गई, आई वाज सो 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 हैप्पी। So that's it. I hope you have enjoyed this little vlog of us and hope you all connect with us more. So do subscribe to our channel. Hit the button like. And do share as much as you can. Stay connected. मैं आज algorithm भूल गया कि ये चीजें आती हैं लाइन से। दो मिनट का इसके लिए मौन धारण कर लो। ये पागल हो गया। तो बाय, टेक केयर, बाय। I will start another vlog now because now we have to change. Okay, so bye, love you and enjoy your day and that's it. Bye guys. Happy Monday. Happy Monday.